आज बड़े खेद की बात है कि शीला दीक्षित जी के फंक्शन में जगदीश टाइटर, जो 1984 सिख रॉयट्स के केस के आरोपी हैं, वो जाके मंच पे बैठ गए और उनको वीआईपी की तरह से वहाँ अलाउ भी किया गया बैठने के लिए। उस मंच पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, जनार्दन द्विवेदी जी थे, सुभाष चोपड़ा जी थे, हाशमी जी थे और उन्हीं के बगल में जगदीश टाइटलर जी थे। अब उनको वहाँ बुलाया गया, बिठाया गया या वो खुद जाके वहाँ पर कुर्सी घेर लिए, इस बात की इंक्वायरी तो राहुल गांधी जी को करवानी चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी जी को जब तक इनके ऊपर कांग्रेस जिन टाइटलर साहब के ऊपर जब तक इनके ऊपर केस चल रहा है करकटूमा के कोर्ट में, जब तक इनके ऊपर सिख रॉयट्स का केस चल रहा है, तब तक इनको पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए ताकि इनके ऊपर निष्पक्ष जांच हो सके। उस निष्पक्ष जांच में अगर ये बरी हो गए तो इनको कांग्रेस पार्टी में वापस ले लेना चाहिए और वापस इनको जो भी पद देना दे, और अगर इनके ऊपर आरोप लगे और इनके ऊपर सजा हुई तो फिर लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। क्यों इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पिछले 34 साल से? क्यों कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इनकी प्राइमरी मेंबरशिप सस्पेंड नहीं करी है? बार बार श्री टाइटलर बोलते हैं मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। केस नहीं है तो करकटूमा कोर्ट में क्यों इनके ऊपर अभी तक केस चल रहा है? उस केस में मैं विटनेस हूँ, कैसे मैं विटनेस हूँ अगर वहाँ कोई केस ही नहीं है? तो ये सारी बातें राहुल जी को सुननी चाहिए, सिखों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, सिखों को जस्टिस मिलनी चाहिए 34 साल के बाद, और इस बात की गुहार मैं राहुल जी को चिट्ठी लिख के करूँगा।